गोली मारी इसलिए यार हम एकदम से फटाक से उठ गए। बट यार ऐसा नहीं यार, बहुत दिन हो गए और यार हमारी वीडियो नहीं आई, मुझे पता है यार। बट यार चिंता मत करो यार, क्या बात है ना कि यार तुम्हारे लौंडे का चल रहा था एग्जाम। हाँ यार भाई, हाँ यार भाई वही एग्जाम जैसे सबकी फटती। वो भैया कौन ये बम मारू चला रही है यार मेरे घर के बाहर, कौन ऐसा युद्ध छेड़ता रहता है यार। मैं सर देख देता हूँ भैया, जब देखो तब ना कोई ना कोई युद्ध छेड़ा ही रहता हमारे घर के आसपास। अब भैया ये मिसाइल विसाइल कहाँ चला रहे हो यार, तुम लोग कैसे आदमी हो यार, चपड़ गंजू टाइप चौका। अब मूर्खता देखो मेरी, मूर्खता देख रहा हूँ, वहां से ना जाके अंदर से नहीं आने के बजाय पूरा घूम के आ रहा हूँ। मतलब क्या घूमा यार भैया, भी ऐसा नहीं यार मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था यार भैया, मैं बोल रहा था कि यार भैया हमारे हो चुके हैं एग्जाम खत्म। हाँ यार भैया चल रहे थे हमारे एग्जाम एग्जाम, तो यार फिलहाल हमारे एग्जाम एग्जाम हो चुके एकदम खत्म यार। तुम्हारे लौंडे की पढ़ाई हो चुकी खत्म, तुम्हारा लौंडा बन चुका है इंजीनियर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हाँ इंजीनियर बन चुका है सिर्फ नाम का, उसके अलावा तो कुछ नहीं यार, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यार आते से ज्यादा इंजीनियर यूट्यूब में अपनी मरवाने आते हैं अपनी बैंड बजवाने। तो यार अभी ऐसा नहीं यार, तुम्हारा लौंडा भी आ गया हमेशा की तरह इस बार भी। तो सबसे पहले यार अबे अरे 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 चाचा, आपकी गाड़ी हमें अच्छी लगी यार, जरा रुकी दो तुम्हें अपनी गाड़ी दीजिए। क्यों वो मैडम? हाँ तो यार क्या, थोड़ा गाड़ी में चलते चलते बताएंगे ना तो यार मजा आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी। तो यार अभी ऐसा नहीं यार, बकवास मैंने बहुत कर लिया। अभी यार तुम्हें एक छोटी सी चीज शॉर्ट में बताता हूँ कि यार भाई साहब मेरा एग्जाम हो चुका है खत्म। तो यार अब वीडियो रेगुलर आया करेंगे, मतलब रेगुलर तो नहीं आएंगे बट हाँ यार दो दिन में वीडियो आएगी, क्योंकि यार रिकॉर्ड करने में उसको बनाने में टाइम लगता है। अब यार धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार भाई साहब जो ना है वो कम से कम ही है, वो कम से कम ही मैं मतलब जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा ना। वो भाई साहब पुलिस पुलिस लग रही है हमारे पीछे। वैसे यार ये कार बहुत सही है, मेरे को सच में ये कार बहुत पसंद आएगी यार। अभी इसको ऐसा करते हैं घर के पास है तो इस घर को कार घर में खड़ा ही कर देते हैं, क्योंकि यार आप आज से ही हमारी गाड़ी। तो यार इस गाड़ी के ना सबसे पहले ऐसा करते हैं कलर चेंज करवा लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम ऐसा करते हैं मैप में देखते हैं। हाँ भैया मैप में हमारा पसवा, हमारा पास से कनो वो स्प्रे विस्प्रे है का? अरे यार अभी तक तो रहता था यार, कहाँ चला गया भैया? अरे अभी तक तो था स्प्रे यार, इधर बगल में देख लेते हैं यार कहाँ मिलता है भैया। दुनिया भर का मामला बन गया। तो यार भैया अभी हमने लोकेशन लगा लिया वहां की, और यार वहां चलते चलते यार अब तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। तो यार ज्ञान कुछ ऐसा है कि यार अगर आप लोग ने हमारे लास्ट एपिसोड देखे हैं जो कि यार दो हफ्ते से बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो यार चिंता मत करो, माइनक्राफ्ट का भी आएगा, अपना GTA 5 का भी आएगा, और अब यार तुम्हारा लौंडा ना मैं नए गेम्स भी क्या बोलना चाह रहा था मैं, आप समझ रहे हैं कि मैं नए नए गेम्स भी अब ट्राई करूंगा। तुम्हारा लौंडा जो है वो नए नए गेम्स भी ट्राई करेगा। तो यार भैया इस समय यार अब हमारे चैनल पे आएंगे लगातार धमाकेदार एकदम खतरनाक वो। और भैया अभी फिलहाल शायद किसी को हेल्प चाहिए, तो आई थिंक आई हैव टू हेल्प। अरे प्रभु चोरी करना पाप है। अभी हम सलमान, अरे 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 भैया उसके चक्कर में तो हमारी गाड़ी लड़ गई। अरे यार मैडम आपके चक्कर में तो यार हमारी गाड़ी के लंक लग गई, हम तो जा रहे थे। चल रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, मत भाग मत भाग मत भाग। अब देखो यार भाग रहा है, इसकी हम गुत्ती तोड़ेंगे, हम आएंगे सल्लू भाई यहाँ दिया से। अब हाँ यार ये चीज ना हमने मोड़ से लगा के रखी है, हम पहले बताते हैं आप यार ये मानेगा नहीं, इसके गोली मारनी पड़ेगी। और भैया तू प्लीज यार भागना बंद कर, प्लीज भागना बंद कर दे वरना मुझे जान बूझ के मारना पड़ेगा। देख मैं तुझे मारना नहीं चाह रहा, मत कर मत कर। पर यार भैया को जल्दी ही भगवान के पास जाना था तो हमने यार इसको पहुंचा दिया। अब यार हमारी पूरी बात भी नहीं होने दिया। तो यार सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमारी गाड़ी की एसएस भी पड़ी है, तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी सुधरवाते हैं चल के, और ये मैडम को जो है इनका पर्स वर्स दे देते हैं। देखिए ना दे देते हैं यार, अभी फिलहाल यार हमारे पास बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट एपिसोड देखा है तो यार आपको पता ही होगा यार तुम्हारे लौंडे ने यार मिलके करी थी चोरी। हाँ यार भाई साहब हमने करी थी चोरी, जो कि यार चोरी सक्सेसफुली निकली। तो अभी फटाक से हम यहाँ से उतरते हैं, सबसे पहले इनको बैग दे देते हैं। मैडम अपना बैग, धन्यवाद भैया, अपना बैग संभाल के रखा कर, है ना, बार बार हम नहीं पकड़ते रहेंगे, वो तो हम अच्छे आदमी थे, वो तो हम अच्छे आदमी थे तो दे दिए, वरना अभी लेके भाग जाते हैं फिर हटाओ। खैर अभी सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं पेंट गिराज, और फटाक से अपनी इस गाड़ी को डेंट पेंट करा के इसको रखवाते हैं अपने घर में। तो यार भैया इससे नहीं कि यार वीडियो आए कई रेगुलर है ना, यार बने रहो एकदम वीडियो में। और भाई साहब ये चीज और भी तुम्हें बताऊं कि यार माइनक्राफ्ट और GTA 5 के अलावा भी अपने बहुत से गेम ट्राई करूंगा, बट दिक्कत वाली बात आ जाती है अपने पास नेट की। हाँ भैया नेटवर्क एकदम हमारा जिंदगी झंड हुआ पड़ा है
जो यार अब जैसन की अगर आप लोगों को पता है कि अपन थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं, हाँ जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से मैं यार थोड़ा शिफ्ट होकर गांव में आया हूँ अपनी बैंड बजवाने। और यार भैया जैसन की आपको पता है कि यार गांव गाँव में ना नेटवर्क नाम की कोई भी चीज होती नहीं है ना। और यार देखो बात बात में हमें कहाँ जाना था और हम कहाँ आ गए, बट कोई नहीं, हम है खिलाड़ी नंबर वन, हम फिर से जाएंगे नीचे। तो अभी यार ऐसा नहीं कि आप फटाफट नीचे चल लेते। देखो यार ये नाइट्रो वाला मोड मैंने लगा के रखा है, इसमें ये बताया कि यार भाई तूने नाइट्रो लगा के रखी। हाँ यार भैया मैं मोड लगा के खेलूंगा, क्योंकि यार GTA 5 तुम खेल रहे हो, GTA 5 में जब तक तुम किसी को पेलो नहीं, आई मीन मारो, मारने वाला बोल रहा हूँ, पेलने वाला वो पेलना नहीं है ना, तो जब तक किसी को मारो नहीं, किसी को पेलो नहीं, गाड़ी गाड़ी में मोड वोड नहीं लगाते यार मजा नहीं आता GTA 5 का, है ना। तो अभी ऐसा नहीं कि यार हमारी चोरी वोरी हो गई थी, पैसा भी यार हमारे पास फिलहाल आ चुका है, अभी हमारे पास यार टोटल 9 मिलियन है। हाँ यार अभी ओ यार हमसे मैडम थोड़ा संभल के एक ऐसे सामने मत खड़ा करो। तो देखो यार अभी ऐसा नहीं कि यार हमारे पास ना टोटल 9 मिलियन बचे, 1 मिलियन यार एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे घर की थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करनी थी, तो यार मैंने उसमें करवा दी थी। अभी यार ऐसा करते हैं कि फटाक से हम यहाँ पे खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी और यार गाड़ी को डेंट पेंट करवाते हैं। A few moments later. तो यार अभी फिलहाल हमारी गाड़ी जो है वो लग रही है फंटास्टिक से भी संतास्टिक हो भाई साहब, क्या मस्त कार दिख रही है यार। तो यार फटाक से ऐसा करते हैं यहाँ से बाहर निकलते अपनी गाड़ी लेके और यार घर पहुँचते हैं। और घर पहुँच के यार हम सबसे पहले फ्रैंकलिन को कॉल लगाने वाले हैं, जो क्योंकि यार फ्रैंकलिन और हम थोड़ा कहीं जाने वाले हैं टूर पे, मतलब टूर पे नहीं, सिंपल सी बात है, हम लोग एक छोटी चोरी करने जा रहे हैं। और भाई साहब हमारी तुम कार देखो भाई साहब, अभी एक्चुअली ना ये ब्लैक दिख रही है बट है एक्चुअली ये रेड, आराम से है एक्चुअली ये रेड, मतलब रेड प्लस ब्लैक है। और भाई बहुत सही आवाज आ रही है और तुम आवाज सुनो इसकी, इसकी अभी टॉप स्पीड जो है अगर हम देख रहे हैं तो टॉप स्पीड हमारी बहुत सही आ रही है भाई, सोच लो अभी टॉप स्पीड में यहाँ पे इसकी भगा नहीं पा रहा हूँ। बट यार ऐसा करते हैं कि फ्रैंकलिन को लेकर यार हम एयरपोर्ट जाते हैं, क्यों, क्योंकि यार वहां से हमें एक जगह पे जाना है जहाँ पे यार हमारे को एक डील हुई थी और उस डील में यार हमें 4 मिलियन मिलने वाले थे। काहे की डील हुई थी वो भी बता देते हैं, यार हमारे डील हुई थी कार की। हाँ यार जो कार हमने चुराई थी वो डॉन के घर से, उसमें से यार एक कार हमें मिल चुकी थी। हाँ यार वो जो ड्राइवर हो आराम से, ओ भाई कितना बचाया मैंने। तो यार सिंपल सी बात है, तुम्हें याद हो कि हमारा एक ड्राइवर एक कार को लेकर भाग चुका था, मगर यार वो भागा नहीं था एक्चुअली, वो क्या था कि वो भागा नहीं था, उसे पुलिस से बचने के लिए दूसरा रूट पकड़ लिया था। उसके बाद यार थोड़ी देर बाद आ गया था और थोड़ी देर बाद आने के बाद यार हमने वो कार बेची एक बड़े से बिजनेसमैन को और यार उस बिजनेसमैन ने यार हमें पैसा लेने के लिए बुलाया है। तो यार अभी ऐसा करते हैं कि फटाक से हम अपने घर पहुंचते हैं। यार नहीं वो डेंट पड़ा गया, वो नहीं पड़ा भाई बहुत सर, अच्छा यार यार आर्मर अच्छा है मेरा। तो यार ऐसा नहीं यार बकवास नहीं करते और यार सबसे पहले पहुंचते हैं घर अपने, है ना, क्योंकि यार घर पहुंच लेंगे ना तो बड़ी सही दिक्कत रहेगी यार, है ना। घर चल गया सबसे पहले फ्रैंकलिन को, और भाई ओ भाई बचना ही मेरी गाड़ी यार, मेरी गाड़ी का डाल दूँ अपनी। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार हमने पटाख से फ्रैंकलिन के यार घर पहुँचते हैं, फ्रैंकलिन के घर नहीं अपने घर पहुँचते हैं और यार फ्रैंकलिन को कॉल लगाते हैं, फ्रैंकलिन को कॉल करके यार फटाक से उसको बुलाते हैं और यार फिर हम लोग निकलते हैं। तो यार अभी ऐसा नहीं कि यार फ्रैंकलिन से मेरी बात हो गई है और यार फ्रैंकलिन ने मेरे को GPS लोकेशन भेजी है, फ्रैंकलिन मुझे वहां मिलने के लिए बुलाया है। तो यार फटाक से यार जाते हैं फ्रैंकलिन से मिलते हैं और यार फ्रैंकलिन के साथ हम सबसे पहले जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से अपना वो किराया वाला हेलीकॉप्टर उठाएंगे और यार कल्टी मारेंगे और कल्टी मारेंगे सबसे पहले हम 4 मिलियन लेके। अरे यार भाई ये कैसा है यार, दिखता तक नहीं है यार, यार फटाक से इसको थोड़ा, अरे 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 कुछ आ रहा आगे निकल गए पीछे पीछे भाई यार, यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ी खड़ी है यार ऐसी, बट यार हमारी गाड़ी की बात ही अलग। तो यार अभी एक्शन करते हैं कि फटाक से हम फ्रैंकलिन के पास पहुंचा था। देखो यार इस एपिसोड में मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा यार, इस एपिसोड में एक्चुअली कुछ करने के लिए अभी है नहीं, क्योंकि यार अभी हमने इतनी बड़ी चोरी कर ली है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, फ्रैंकलिन के पास भी बहुत सारा पैसा है, फ्रैंकलिन को पूरा 8 मिलियन मिला है। अब 8 मिलियन उसको क्यों मिला, क्योंकि यार उसने 2 मिलियन मेरे को बेच दिया था, क्योंकि एक बार यार हमने उसकी मदद करी थी तो यार उसके लिए उसने हमें 2 मिलियन दे दिया था। अब उसके पास यार 8 मिलियन होंगे, वो भी यार अपने काम धाम में लगा है और यार हम भी अपने काम धाम में लगे हैं। ड्राइवर के पास भी यार अच्छा खासा पैसा पहले से भी था और यार उसके पास ऑलरेडी यार 20-30 मिलियन कुछ के समथिंग था पैसा और यार उसके अभी भी उसके पास उसको हमने 8 मिलियन या आई थिंक 10 मिलियन शायद उसको भी मैंने दे दिया है। तो यार अभी फिलहाल हम यहाँ पे आ गए एक रिसोर्ट में और यार हमें यहीं तो मिलाया था मिलने के लिए। तो यार भाई पार्किंग वार्किंग नहीं क्या इस रिसोर्ट में, कहाँ गाड़ी, अरे हाँ ये है ना पार्किंग, भैया जरा डोर तो ओपन करिए। भाई साहब अब नहीं ऊपर करेंगे तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो यार अभी यहाँ ऐसा करते हैं फटाक से उसमें गाड़ी खड़ी कर देते हैं पार्क में और यार यहाँ से निकलते हैं फटाक से फ्रैंकलिन को लेके। तो यार अभी फ्रैंकलिन भी हमारे पास आ चुका है और यार भाई साहब ये वहाँ अंदर गया था, यार तुम गया कहाँ था यार इतने बड़े होटल में, आराम से आराम से आराम से आराम से भैया आराम से। तो यार अभी अंदर ही अपनी गन अंदर कर लें, पता नहीं गन लेके क्यों चल रहा हूँ यार, मैं अपने इतने सारे हथियार अपने साथ लेके क्यों चल रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट यार ठीक है अब फिलहाल अभी यहाँ फ्रैंकलिन यहीं पे था और यहाँ पे करने क्या है, ये तो पता नहीं क्या है, होटल है आई थिंक, होटल में ही है
तो अभी ऐसा करते यार भाई फ्रैंकलिन, चल भाई यार तू कपड़े तो कभी ढंग के पहन लिया कर यार, जब देखो यार ये चड्डी बनियान में आ जाता है। भाई साहब के पास मिलियन है बट यार आएंगे चड्डी बनियान में। देखो यार मैं ये नहीं कहता कि यार तुम अमीर बन जाओ एकदम कोट शॉर्ट में ही घूमो, बट यार तब भी भाई कम से कम थोड़ा कपड़े वपड़े तो पहन के आओ। भैया फ्रैंकलिन आता थोड़ा जल्दी आ जाओ यार, तुम दौड़ के भाई आ ही रहा दौड़ के, बट आपसे आ जाए फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हमारे साथ बैठ जाए फिर हम चलते हैं। फिर पीछे बैठ गया भाई, तेरे को आगे जगह नहीं दिख रही क्या यार? मतलब ये तो गलत बात है ना यार भाई, ये तो यार ये तो गलत बात है ना भाई, मतलब यार तुम्हें तो हमारे साथ वहाँ पे आगे ना बैठ के तो पीछे बैठ रही है, मतलब गजब आदमी है यार। अभी देखो जैसे कि आपको अगर मैप में दिख रहा है हमारे कि वो एक बारह का प्लेन जैसा बना है, वहीं पे और हमें जाना है, वो प्लेन लेना है और यार फटाक से वहां से उड़ के जाना है एक जगह पे, और उस जगह पे जाते ही साथ हमें यार फिर पैसा इकट्ठा करना है और यार कल्टी मारनी वहां से। Many hours later. और भैया गाड़ी की तो चकना चूर हो गई, तो यार अभी फिलहाल हम कहाँ से एंट्री मार सकते हैं? तो अभी फिलहाल ऐसा करते हैं कि यहाँ से तो दिखा रहा रास्ता कि गोल गोल मैं घूम जाऊँ, तो ठीक है मैं अभी गोल। वैसे यार ये कार छोटी है बट काफी अच्छी कार है यार ये देखा जाए तो। यार अभी हमारा तो हमारा यहाँ पे खड़ा है वो हेलीकॉप्टर नहीं है, मतलब आप उसको जहाज कह सकते हो या जो कहना चाहो वो कह सकते हो। तो यार वो यहाँ पे खड़ा, और भाई साहब ये छोटी गाड़ी है बट यार बहुत सही गाड़ी है यार ये, मतलब यार काफी इसकी ड्राइविंग जो है ना, मतलब स्टीयरिंग वो काफी फ्लेक्सिबल है यार, अच्छे से चल रही। तो यार अभी ऐसा नहीं कि हमारा कहीं यहीं पे खड़ा है, तो भाई साहब हम निकल सकते हैं, धन्यवाद। आई थिंक कुछ चेक कराना की जरूरत नहीं, ठीक है कुछ कराने की जरूरत नहीं, हम जा सकते हैं फिलहाल। तो यार ये रहा वो हमारा जहाज जो यार हमने किराए से लिया है, और यार इसको लेके हमें जाना है ट्रेवर वाले गांव पे। हाँ यार ट्रेवर के गांव पे, तो यार अभी ये गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देते हैं। तो भाई यार कहाँ खड़े खड़े हैं, यहाँ खड़ी कर देते हैं गाड़ी फिलहाल के लिए। अरे यार गाड़ी यहाँ खड़ी करके यार फटाक से जहाज में चलते हैं ट्रेवर के गाँव, और ट्रेवर के गाँव में जाके यार पैसे लेके आते हैं यार। फटाक से अभी हम चल लेते हैं जहाज में। वैसे यार ये गैस वाला जहाज है, तो यार एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं हेलीकॉप्टर भी लेने वाला था, बट यार वो हेलीकॉप्टर ना बहुत महंगा दे रहे थे लोग, मतलब किराए से बहुत महंगा दे रहे थे यार। अब देखो हेलीकॉप्टर का उन लोग मांग रहे थे कि $5,000, और यार इन लोग ने ये गैस वाले का मेरे से कितना $2,500 ही लिया। यार भाई भाई सिंपल है ना यार, $2,500 ज्यादा सही है। और भाई ये देखो ये एकदम सीधे उड़ जाता है हेलीकॉप्टर ही जैसा है ना। तो यार अभी ऐसे नहीं कि फटाक से यार हम इसके साथ चलते हैं कहाँ पे ट्रेवर के गाँव, और यार यहाँ से पैसा लेके आते हैं। तो भाई साहब अभी हमारा प्लेन उड़ चुका फिलहाल, और ये आगे चलने के लिए तैयार, और ये अभी चल रहा है फिलहाल। हम यार अपनी जीपीएस में लोकेशन सबसे पहले लगा ले, वरना यार भटक जाते हैं, भटके ना हम तो यार। भाई साहब सच में तुम देख रहे हो अब इतने ही दूर ये था, यहाँ से हमें अलग ही गांव पे जाना था, मतलब ट्रेवर वाले गांव पे बोले तो यहाँ पे। अब सोचो हमें इतनी दूर कैसे जाता भाई है ना, तो इसलिए यार हमने यार ये वाला मामला पानी में बैठाया ताकि यार हम अच्छे से कर सके। और यार इसका एरोप्लेन स्टॉक ना भैया। तो यार अभी हम हैं एकदम लॉस सैंटोस, मतलब लॉस सैंटोस को हम लोग पार कर चुके हैं, और यार अभी हम एकदम आ चुके हैं एकदम पहाड़ियों के बीच में से होते हुए जा रहा हूँ। भाई साहब क्या सीन लग रहा है यार, मतलब यार बहुत सही हो रहा है यार। कभी अगर फ्री हम अपने काम धंधों से फ्री हुए तो यार कभी हम इन हवेलियों में कह रहा मतलब इन पहाड़ियों में कभी ट्रैकिंग करने आएंगे, क्योंकि देखो इनमें ट्रैकिंग ट्रैक भी है। तो यार कभी हम आएंगे फ्रैंकलिन वगैरह के साथ यहाँ पे ट्रैकिंग करने, और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं ट्रेवर के गाँव। तो थोड़ा सा इसको हम मोड़ लेते हैं, यही वाली रोड है आई थिंक, हाँ यही रोड है। तो अरे 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 एक मिनट भाई आराम से हमें यार इसको उतारने के लिए ना एक अच्छा एरिया चाहिए। हाँ यार वहाँ पे हम शायद उतार सकते हैं इसको, वो खुला ग्राउंड है तो शायद हम उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले वहीं चलते हैं, अरे यार फिर खुला ग्राउंड में ना उतारते हैं इसको आराम से भाई, आराम से। अरे यार उतरने का नाम नहीं ले रहा भाई, अरे घूम जाओ यार, अरे घूम जाओ प्रभु, घूम जाओ भाई। यार ये इतना बड़ा है यार, मेरे को अभी लगता है कि मेरे को हेलीकॉप्टर ही लाना था यार। ये इतना बड़ा है यार कि साइज में क्या बोलूं भाई, ये हद से ज्यादा ही बड़ा है साइज में। और ये मतलब नाम नहीं ले रहा उतरने का भाई, उतर जा यार, उतर जा। भाई साहब लैंडिंग क्रैश ना हो जाए, आराम से। ओके स्टॉप। ओके दैट्स इट, तो आ जाओ भैया फ्रैंकलिन दादा। और फिलहाल यार अभी हमने यहाँ पे अपना ये जीरो गैस ये जो भी है यहाँ पे खड़ा कर दिया है। यार फटाक से यहाँ से हमें यार एक गाड़ी लेते हैं, और वैसे गाड़ी की जरूरत नहीं है पास में ही है वो लोकेशन, तो यार ऐसा करते हैं पैदल ही चल लेते हैं बस। यार हमारा कोई जहाज उड़ा के ले ना जाए, वैसे यार आता नहीं है सबको नहीं आएगा। यार अभी फटाक से हम चढ़ लेते हैं। भाई साहब तुम देख रहे हो लैंडिंग मेरे को कहाँ करनी पड़ रही है भाई, इस गाँव में ना एक एरोप्लेन का वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एयरप्लेन का स्टेशन भी नहीं है भैया, नहीं आती हमको इतनी इंग्लिश, हमें नहीं पता, हम गाँव हर आदमी टाइप के। खैर अभी ऐसा नहीं कि यार हम किसी की गाड़ी वाड़ी चुरा तो सकते हैं भैया, चुराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अबे यार फ्रैंकलिन भाई थोड़ा आ जाए यार, जरा जल्दी पाँव को चला ले, पाँव में मेहंदी लगी है क्या भाई? अरे फ्रैंकलिन मेरे को दूर से गंजा क्यों दिख रहा है भैया, मेरी दूर की नजरें खराब हो रही, डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा अभी। यार देखो हम पैदल पैदल, और आराम से
भाई मेरे भाई ओ आराम से, अरे बाइक वाला आ रहा है शायद, अगर हम इसकी बाइक ले पाए। बाइक वाले भैया थोड़ी सी बाइक मिलेगी आपकी, धन्यवाद। फ्रैंकलिन जल्दी बैठ, अबे जल्दी बैठ, हाँ धन्यवाद। सॉरी यार भाई, तुम्हारी गाड़ी, अबे ओए ओए ओए, तू मेरा जहाज मत ले रहा, मैं बहुत मारूंगा। खिलाड़ी हमारा जहाज तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि यार हमने उसकी गाड़ी ली है, अगर जहाज नहीं ले पाया तो यार हमें गाड़ी से फिर पूरे घर तक जाना पड़ेगा, वही सही बता रहा हूँ। और यार अगर उनका जहाज घुमा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी, वैसे घूमेगा तो नहीं जहाज, बट यार अभी फटाक से पहुँच जाते हैं अपने क्लाइंट के पास, और यार उससे पैसा लेके वहाँ से कंटी मारते हैं, पहले तो शायद वो आ ही गया हो, तो गाड़ी यहीं पे लोकेशन तो। अरे ओ सलमान खान, ओ सल्लू भाई, क्या कर रहे हो यार तुम है? है कि यार अभी हमारी जस्ट उससे बात हुई है, और यार उसने कहा कि तुम जहाँ पे खड़े हो जस्ट उसकी दूसरी रोड पे आ जाओ, वहाँ पे यार मेरे को खड़ा, ओ भाई साहब यहाँ पे तो लायन घूम रहा है लायन, तो यार उसने ये कहा कि यार तुम जहाँ पे खड़े हो उसकी जस्ट दूसरी रोड पे आ जाओ, नहीं तो यार तुम्हें मेरा बंदा खड़ा मिलेगा। तो यार भाई साहब बंदा खड़ा मिलेगा, बट आना किस साइड ये तो उसने बताया नहीं, नहीं उसने सॉरी बोला, उसने ठीक है उसने बता दिया मेरे को कि मैं राइट साइड पे आ जाऊँ, राइट साइड ये आई थिंक राइट होगी ना, राइट होगी लेफ्ट, लेफ्ट शायद, हाँ लेफ्ट आने को बोला था उसने। तो अभी फिलहाल उसका आदमी हमें कहीं नहीं दिख रहा, और यार सच में इसका हमें कोई आदमी नहीं दिख रहा भाई है? अच्छा अरे दिख गया भाई, तू कहाँ बीच रोड में खड़ा है, और भाई यार ये गन पॉइंट हमारे पे करे सबके सब, अबे करना क्या चाह रहे हो? ओए भैया तू साइड हो ले यार, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात को, बट साइड तो हो ले, और भाई साहब ये इतने रश एरिया में बुलाया है, और भाई साहब ये है कौन अकेले लोग, वो अपने मुकुट उतार लो भैया, और भाई क्या साहब भाई यार ये मैडम से बात करनी है क्या? हेलो हेलो मैडम, हेलो हेलो मैडम, अरे बात तो सुनिए हमारी, अरे अरे सॉरी, अच्छा आई थिंक बॉस कौन है भाई? ओ भाई साहब तुम गाड़ियां देखो यार, तुम गाड़ियां देखो, ये कौन सी गाड़ी है भाई? ओ भाई देखो इस गाड़ी में 6 टायर लगे टोटल, तुम देख रहे हो इस गाड़ी में 6 टायर लगे हैं, और अबे रुक जा यार नहीं कर रहा मैं कुछ, और भाई साहब तुम ये वाली बीच वाली गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है, और ये भी है कोई गाड़ी है बढ़िया, क्या सही है यार, इसके पास भी पैसा है लगता है भाई, अंधा पैसा है क्या भैया? अभी यार फटाक से ऐसा करते हैं यार, इससे बैग वैग लेते हैं, और यार यहाँ से कल्टी मार के निकलते हैं, क्यों? क्योंकि यार कह नहीं सकते यार, इन लोग की घोपड़ी घूम जाए उल्टा पकड़ ले और साला पैसा ही मांगने लग जाए, क्योंकि यार फटाक से बहुत से बात करता है, और यहाँ से यार पैसा लेके निकलते हैं यार। अभी भैया इसने हमें पैसा दे दिया, और भाई साहब तुम देखो ये सिगरेट पीने लगा, और यार भाई लिटरली इसके पास जब भाई पैसा होना तुम्हारे पास, अंधा वो भी इतना अंधा पैसा कि तो वो दिखे ही ना भाई, जब तुम्हारे पास अंधा पैसा होना तो यार यही होता भाई, मतलब तुम किसी से नहीं डरते कि तुम क्या हो, मतलब यार उसके सामने मेरे को कुछ अपनी तमीज ही नहीं लग रही थी यार, उसने मेरे को 4 मिलियन दिया, और भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे भिखारी टाइप का, मतलब यार तुम लिटरली देखो गार्ड देखो तुम यार, मैं भी यार एक सपना है अपना भी कि ऐसे गाड़ी यार अपन अपने पास भी रखेंगे, अभी यार फटाक से ऐसा करते हैं। अरे अरे भैया अरे सॉरी 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 यार, अरे अबे 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 भागो भाग 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 भाग, अरे यार भाई गलती से लग गया था यार, अबे भाई यार इन लोग क्या पागल हो गए यार, निकलो यहाँ से भाई, अब गलती से लग गया था यार, लिटरली मैंने देखा ही नहीं यार उस तरफ की वहां कोई खड़ा था, मुझे लगा कि यार ऐसे ही कोई खड़ा है, अरे भाई माफ कर दो यार तुम लोग, भाई साहब यहाँ से मैंने निकलो भैया फटाफट, वरना भरोसा नहीं है भाई, ये उसका एरिया है, कहीं पेल दिया था भाई, भरोसा नहीं था यार, यहाँ से हम लोग फटाक से नाइट्रो मार के यहाँ से कल्टी मार गए, क्योंकि यार मेरे को नहीं चाहेंगे कि यार हमें कोई कुछ भी करे, तो यार फटाक हम यहाँ से निकलते हैं, फ्रैंकलिन को भी लेके यार, फालतू का फ्रैंकलिन को गोली लग गई बहुत सारी, फ्रैंकलिन अब यार पता नहीं, फ्रैंकलिन भैया तो ठीक तो है ना यार? हाँ यार इसलिए हमने इसको ना बोला कहा कि थोड़ा कपड़े पहन के आ, बट यार ठीक है, इसने भी बोला कि इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यार अभी ऐसा करते हैं कि फटाक से पहुंचते हैं अपने वो हीटअप बैग वाले के पास, मतलब वो है अपने हेलीकॉप्टर के पास, सस्ता हेलीकॉप्टर, और यार यहाँ से कल्टी मार के निकलते हैं, क्योंकि यार इस एरिया को ना यार भाई से अपना ट्रेवर ही संभाल सकता है यार, ट्रेवर ही अच्छे से जानता होगा कि ये गुंडा कौन है, उसने यार गुंडे ने ना अपना नंबर भी दिया, और यार उसने ये भी बोला कि यार उसको अगर कोई आगे जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे से काम करवाएगा, तो यार अभी फिलहाल हमारा जो वो खड़ा था गुब्बारा वो यहीं पे खड़ा था, तो यार ये गाड़ी यार हमने फिलहाल साइड में लगा देते हैं, क्योंकि यार भैया जिसकी गाड़ी थी लेके चले जाना यार, हम गलती से ले गए थे, क्योंकि यार हमारे पास कोई वो नहीं था यार, फटाक से यार अपना हाईवे पार करके आराम से, अरे भैया यार तुम आराम से भाई, धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद, यार हमारा ये खड़ा प्लेन, हम यार फटाक से प्लेन पे चढ़ते हैं और यहाँ से कल्टी मारते हैं, भाई यार ये जगह हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, 2 बार इन लोग ने मेरा मुंह तोड़ चुका है, एक बार उसने यार गोलियां पेल दी, और दूसरा यार वो साला है तो ये ठोक दिया मेरे को, यार फटाक से ऐसा करते हैं कि यार ये उठाते हैं अपना ये हेलीकॉप्टर,
और यहाँ से यार यहाँ कल्टी मारते हैं, क्योंकि यार ये चेक है और भाई साहब ये गिरफ्तार किसने दिया यार। भाई यार ऐसा मत करो बिल्कुल, ओ भाई ये क्या है, वो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई फटाफट यार बैठ गया फ्रेंकलिन, बैठ गया तू, अच्छा आ रहा भैया जल्दी बैठ जाए यार, तो निकले अपने यहाँ से कल्टी मार रहे हैं काय को फालतू में हमें अपनी बैठ बजवाए। तो भाई साहब क्या लगता है यार रात में लॉस सैंटोस की ब्यूटी देखो यार तुम, भाई क्या मस्त लग रहा है यार ये तो। भाई मेरा शहर सच में बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया शहर है यार, साला वहां तो गया था ट्रेवर के उसमें तो सालों ने तो एक बार में तो गोली मार दी और है तो दूसरे बार में उड़ा ही दिया, मतलब गाड़ी से ही उड़ा दिया। तो यार भैया इसको हम कहाँ पार्क करें यार, पार्क करने की जगह तो दो, वहां तो हम उतार नहीं पाएंगे क्योंकि जहाँ भैया हमारे इतने ट्रेंड आदमी नहीं है कि हम इसको उतार पाए वहां पे। तो अभी ऐसा करते हैं कि इसको हमने यहीं पर उतरवा देते हैं फटाक से। यार अभी हमने फिलहाल इंजन बंद कर दिया इसका, मेन बात यह है कि इंजन बंद करने से एकदम से गिरता नहीं है, आराम आराम से नीचे उतरता है, क्योंकि यार आप देख रहे हो मैंने इंजन बंद रुक चुका है इसका बिल्कुल। यार अभी एम्बुलेंस आ चुकी है और यार उन्होंने फ्रैंकलिन को लेकर चले गए और उन्होंने बताया कि यार वो कूदा तो फ्रैंकलिन उस वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है, बट यार चलो कोई बात नहीं यार फ्रैंकलिन अपना मजबूत आदमी है, यार यहाँ से एक बार थोड़ी गाड़ी कुदाई भी लिया जाए, क्योंकि यार हम इतनी दूर है और इससे गाड़ी ना कुदाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यार यहाँ से गाड़ी कुदाने का ना मजा ही अलग है। तो खुद देखो अब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी दूर तक जाती है। अभी यार दूर जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यार देखो अभी हमारे पास फिलहाल 14 मिलियन टोटल हो चुके हैं, ठीक, बट यार 14 मिलियन से हमारा कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि यार अपन को जमाना है क्या रोला, रोला जमाना है अपन को कहाँ, पूरे शहर में। और यार पूरे शहर में रोला जमाना है ना, सबको अपने अंदर काम करवाना है ना, तो भाई साहब क्रैश हो चुकी है यार। उसके लिए यार तुम्हारे लौंडे के पास होना चाहिए बहुत सारा पैसा, तो यार अपन को अब देखो लीगल काम करना पड़े या लीगल काम करना पड़े, बट यार पैसा तो कमाना कमाना है ना। तो यार अभी ऐसा नहीं कर, देखो बीवी तो छोड़ के चली ही गई है, ठीक है, बीवी से मेरा कोई ऐसा नाता था नहीं तो बीवी छोड़ के चली ही गई है। अब बात आती है अपने बेटों की बच्चों की, तो यार बच्चे भी हमारे चुनटी टाइप के हैं तुम्हें भी पता है। यार भाई ऐसा है कि यार अब अच्छा समय है यहाँ पैसा कमाने का, यार भाई ऐसा करते हैं कि हम इलीगल काम करें या चाहे लीगल काम करें, देखो यार लीगल काम करेंगे तो पैसा नहीं है और इलीगल करेंगे तो पैसा है, बट यार हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें इलीगल काम भी हमारा हो जाए और हम फंसे भी ना, क्यों, क्योंकि यार हमारे पीछे ना ऑलरेडी भैया पुलिस एकदम जान खा के बैठी, क्यों, क्योंकि भैया अभी तक वो डेप को ना पता नहीं चला है कि वो गाड़ी और उसके डॉक्यूमेंट्स हमने ही चुराए थे, क्योंकि अगर गलती से वो डेप को पता चल गया ना तो डेप हमारी खोपड़ी तोड़ेगा। और भाई साहब ये गाड़ी जिसकी मैंने चुराई थी भाई एयरपोर्ट से, तो भाई साहब ये गाड़ी इसकी बहुत शानदार है वैसे, और यार भाई साहब लिटरली उसको नहीं पता भी डेप को कि यार वो गाड़ी और वो डॉक्यूमेंट्स यार हमने चुराए हैं। अब यार अगर उसको ये पता चला कि वो गाड़ी हमने चुराई है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे वजह से खो गए, तो भाई साहब वो मेरी जिंदगी की, यार वो पहले भी कह रहा था, यार वो पहले भी कह रहा था कि वो मेरी जिंदगी खराब कर देगा, इसलिए हमारे को उसके लिए काम करना पड़ता था, और अब तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने नहीं किया तो वो हमारी जिंदगी जरूर ही खराब कर देगा। यार भैया ऐसा है कि यार हमें काम करना है कि जब तक उसको पता चले तब तक यार हम इतने बड़े आदमी बन जाएंगे कि वो हमारे ना तो क्या कहते हैं हाथ ही ना डाल पाए, मतलब हमारे साथ हाथ मिला ही ना पाए। तो यार अभी ऐसा करते हैं कि फटाक से आराम से आराम से भैया, हाँ तो यार अभी ऐसा करते हैं कि फटाक से हम पहुँच लेते हैं। अरे 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 एकदम से गाड़ी मोड़ देते हो चाचा, यार तुम भी गजब के माल हो। पर अभी ऐसा करते हैं कि यार इस गाड़ी में ना नाइट्रो नहीं है, यार इस गाड़ी में नाइट्रो नहीं है, मैंने मार के दे दिया, इस गाड़ी में बिल्कुल नाइट्रो नहीं है। तो यार अभी ऐसा करते हैं कि फटाक से हम पहुँचते हैं अपने घर, आराम करते हैं, ये पैसा रखते हैं और यार जस्ट टेक अ चिल पिल ब्रो। तो अभी फिलहाल के लिए यार आज तो मैं भाई थक गया हूँ, यार ऐसा करते हैं कि फटाक से यार अभी कॉल, चलो हटा यार कल ही कॉल लगाएंगे ड्राइवर को, क्योंकि यार ड्राइवर से भी मेरे को थोड़ी सी बात करनी है तो कॉल मैं कल ही लगाऊंगा। तो यार अभी ऐसा करते हैं कि यार मैं थक बहुत चुका हूँ, तो यार ऐसा करते हैं कि फटाक से हम यार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने अपने लोगों को बोलिएगा कि भैया चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्यों, क्योंकि यार अब सिर्फ यही दोनों गेम नहीं आएंगे, अब और भी गेम आएंगे और अब जो गेम आएंगे उसे यार तुम्हें अलग ही मजा आएगा। तो यार ऐसा नहीं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने अपने लोगों को बोलो कि शेयर करें, और मिलते हैं अपन अगले धनुषाधार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।